चिड़िया। अलफ नगर में एक छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया रहती थी। वो हर वक्त चू चू करती रहती। सब उसको चीनी चिड़िया कहते थे, क्योंकि चीनी चिड़िया चीन से चीनी लाकर अलफ नगर में बेचती थी। वो आधी चीनी बेचती और बाकी खुद चट कर जाती। इतनी चीनी चखते चखते चीनी चिड़िया फूल कर कुप्पा हो गई थी। ऐनक वाला उल्लू अक्सर उसको समझाता, चीनी चिड़िया इतनी चीनी मत खाया करो, शुगर हो जाएगी तुम्हें। लेकिन चीनी चिड़िया पर कुछ असर ना होता, चीनी का चस्का ही कुछ ऐसा था। एक सुबह बीबी बतखो उसके पास चीनी लेने आई। चीनी चिड़िया चू चू करती सुख चैन के दरख्त की शाख से उतरी और तने में मौजूद अपनी चीनी की दुकान का ताला चाबी से खोलने लगी। दरवाजा खुलते ही चीनी चिड़िया की तो चीख ही निकल गई। उसकी चीनी को चोर चूंटियां चिमटी हुई थी। चीनी चिड़िया चिल्लाई, चोर चूंटियों, मैं अभी तुम्हें इस चोरी का मजा चखाती हूँ। चीनी चिड़िया चींटियों पर झपटी और एक चींटी चट कर गई, फिर एक और चींटी, इसके बाद एक और। इस तरह एक एक करते उसने 40 चींटियां चट कर ली। चींटियों में अचानक खलबली मच गई। सब चीनी छोड़कर बचते बचाते वहां से भाग निकली। यहां तक कि चीनी के ढेर पर एक भी चींटी बाकी ना बची। लेकिन चीनी चिड़िया को उस दिन चूंटियां चबाते खूब मजा आया। पहली बार उसने चीनी के अलावा कुछ और चखा था। उसे ऐनक वाले उल्लू की बात याद आई, चीनी चिड़िया तुम चीनी के अलावा कुछ और भी खाया करो, जैसे दाना दुनका, कीड़े मकौड़े। चीनी चिड़िया को उस दिन कुछ और चीज यानी चूंटियां खाने में इतना मजा आया कि फिर वो चीनी खाना भूल गई। अब उसे चीनी के कारोबार में मुनाफा होने लगा था, क्योंकि चीनी चिड़िया अब चीनी खुद खाना छोड़ चुकी थी।